पेज नंबर 493 एग्जांपल नंबर 1 को बोल रहे हैं फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर kt दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन y नॉट इज इक्वल टू 1 एंड डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स ये दे रखा है। तो यहां पर इन्होंने बोला फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर kt दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन y नॉट इज इक्वल टू 1 डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स। ठीक है, तो इसमें दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन y नॉट इज इक्वल टू 1 एंड डबलिंग टाइम y इज इक्वल टू 5 इयर्स ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल डबलिंग y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर k t ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन y नॉट इज इक्वल टू 1 एंड डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स। तो यहां पर आप ये देखिएगा डबलिंग टाइम का मतलब क्या है, डबलिंग टाइम का मतलब ये है कि एक डिके मॉडल है और ये कौन सा मॉडल डिके मॉडल दिया नहीं ग्रोथ मॉडल दिया है। तो ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है जो कि जिसकी ग्रोथ होती जा रही है लगातार। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि वाई है, वाई की लगातार ग्रोथ होती जा रही है, तो उन्होंने बोला डबलिंग टाइम, यानी कि जब टाइम 5 साल हो जाएगा तो 5 साल में ये जो वाई है ना वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा गिवन y नॉट इज इक्वल टू 1, पहली चीज तो ये दे रखी है गिवन y नॉट इज इक्वल टू 1 और y नॉट का मतलब क्या है यहाँ पर कि इनिशियल वैल्यू जो होती है y की उसको y नॉट बोल देते हैं। तो y नॉट इज इक्वल टू 1 दैट इज एट t इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है कि जब हमारा टाइम कुछ हुआ ही नहीं है, इनिशियल वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने पैसा लिया और पैसा बैंक के किसी कोई स्कीम है कि उस स्कीम में उन्होंने बोला कि भाई इतने साल बाद या 10 साल बाद पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास टाइम इनिशियली जब हम किसी चीज़ को पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि टाइम अभी कुछ बीता ही नहीं है, अभी आपने पैसा जस्ट डिपॉजिट करा है। तो टाइम कितना हुआ, हम कहेंगे टाइम हुआ ही नहीं, तो टाइम इज इक्वल टू 0 हो गया उस टाइम, तो 0 टाइम है अभी उस टाइम। तो जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उस टाइम वाई नॉट की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू y नॉट कितना है 1 और e की पावर k इंटू 0। तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो इनिशियली y की वैल्यू इनिशियली हो गई 1 है ना। फिर हम ये कहेंगे कि एट टाइम t is equal to at time t is equal to 5 years y is equal to 2 times of y और initially y कितना था 1 था है ना। तो ये हो गया 2 into y की y not के दो किसी का सीधा 2 into y not। तो भाई initially अगर y की value देखी जाए तो y not के बराबर थी, वो भी 1 थी ये भी 1 ही आया हमारे पास। तो ये 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब अगर टाइम t की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, नहीं समझे अभी। तो 2 इन्होंने दे रखा है कि डबलिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 5 इयर्स, कि जब 5 साल टाइम हो जाएगा तो y की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। अब किसकी डबल हो जाएगी, अपनी इनिशियल वैल्यू की, इनिशियल वैल्यू 1 दे रखी है, तो y की वैल्यू 2 हो गई। देयरफॉर given equation becomes therefore given equation becomes y is equal to y naught to 1 hai aur e ki power k into 5 y की जगह आप डाल दीजिए 2
तो 2 इज इक्वल टू e की पावर 5k, e की पावर 5k, ये हो गया। अब इधर से e की पावर 5 हटाना है क्योंकि कांस्टेंट k है, मुझे कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई अगर e हटाना है तो ये इधर आकर log 2 हो जाएगा, e को अगर इधर ले जाए यानी कि एंटी लॉग हटाना है तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग e की पावर 5k। अच्छा, लॉग और e की पावर में अगर कुछ भी होता है तो लॉग से e कट जाता है, सिर्फ 5k आ जाएगी वैल्यू। तो लॉग 2 इज इक्वल टू 5k, लॉग 2 इज इक्वल टू 5k, इट इंप्लाइज दैट k is equal to log 2 upon 5, तो k की वैल्यू आ गई log 2 upon 5, ठीक है। इसके बाद हम ये कहेंगे therefore growth equation becomes therefore growth equation becomes, तो original equation में आप k की value डाल दीजिए, y is equal to y naught e की power k t, e की power k t, y naught की value 1 है, e की पावर k की वैल्यू कितनी है log 2 upon 5, log 2 upon 5 into t। तो ये हो गया y is equal to e की पावर log 2 upon 5 into t, बस इतना कर दीजिए। इन्होंने क्या कर रहा है कि जैसे हमने इसको log को इधर, मतलब e की पावर को इधर ले गए, या चलिए हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो हमने ना लॉग टू द बेस ई लिया है इधर भी और इधर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती। इन्होंने उसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करके लिख दिया है, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख देंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये निकालना होगा लॉग टू को, कोई जरूरत नहीं है, लॉग टू बस इतना ही लिख कर छोड़ दीजिए। इन्होंने निकाली है वैसे वो वैल्यू, इन्होंने लॉग टू की वैल्यू निकाली है, आपको जरूरत नहीं है। तो ये करके और आप इतना छोड़ दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि फिर इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या काम था। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमको डिफरेंशिएट करना ही नहीं पड़ा, जरूरत नहीं पड़ी डिफरेंशिएट करने की, ऐसे ही हो गया काम। ऐसे ही अगला देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रोज population of a town grows at the rate of 10% per year, grows at the rate of 10% per year. Using differential equation, find how long it will take for the population to grow 4 times. कि population अपनी original value की 4 times हो जाए, उसमें कितना time लगेगा, ये आपको बताना है। The population of a town grows at the rate of 10% per year. तो given dp by dt is equal to 10% of p, dp by dt is equal to 10% of p, समझ गए। तो dp by dt का मतलब क्या है कि rate of change of population, तो population जब किसी भी चीज का rate of change निकालते हैं तो वो rate of change निकाला जाता है हमेशा with respect to time। अब ये है कि इससे ये कैसे पता चला कि भाई ये population की increase वाला ही rate है, तो हम ये कहेंगे कि अगर डिक्रीज वाला होता तो मुझे बस माइनस लगा देना होता। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो dp by dt is equal to 10% of p हो गया। dp by dt is equal to p upon 10, इतना आ गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जब मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई तो मैं ये कहूँगा कि भाई मेरे पास अब जो वेरिएबल्स हैं कौन कौन से हैं, p है और t है, ये वेरिएबल है, तो क्या मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल करा जा सकता है। p को इधर ले आइए,
it implies that dp upon p is equal to dt को उधर ले जाइए तो dt upon tan, ठीक है? अब ये करेंगे integrating both sides. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेशन डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/10 इंटीग्रेशन डीटी, ठीक है? अब डीपी अपॉन पी कितना हो गया? लॉग पी 1/10 और इंटीग्रेशन ऑफ डीटी कितना हो गया? टी हो गया, ठीक है? तो इंटीग्रेट करने के बाद तो हमारे पास ये आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे आगे? प्लस सी लिख देंगे. ये जो आई है जिसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ा, ये वाली तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 जिसको इंटीग्रेट करना था. ये जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हमको क्या करना होता है, ये जो कॉन्स्टेंट है ना सी, हमें इसको रिमूव करना होता है. तो इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, पी की और डी की कोई वैल्यू होनी चाहिए. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियली एट पी इज इक्वल टू 0, इनिशियली एट पी इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू पी नॉट, ना यहाँ ब्रैकेट में लिख देना से. जब टाइम कुछ था ही नहीं, मतलब शुरुआत में इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन. तो हमने ये कह दिया कि टाइम टी इज इक्वल टू 0. जब हमने पॉपुलेशन काउंट करनी शुरू करी, जब मेजर करना शुरू करा, तब हमने ये कह दिया कि भाई उस टाइम पॉपुलेशन जो थी वो पी नॉट थी, ठीक है? और वो टाइम था टाइम टी इज इक्वल टू 0 था वो. एक मिनट, इतना जानते हैं कि इन्होंने ये बोला है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो 4 times, यानी कि कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन को 4 times होने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन फिर कितनी हो जाए. इनिशियली पी नॉट थी तो कितनी चाहते हैं वो, 4 पी नॉट हो जाए, तो उससे कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी. तो सी की वैल्यू लॉग पी नॉट आ गई. हम ये कहेंगे नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू. इक्वेशन टू यानी कि जो आपकी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें आपको इस वैल्यू को रख देना है. तो पी की जगह सॉरी ये तो आएगा लॉग पी इज इक्वल टू 1/10 इंटू टी को क्या लिख देंगे, टी अपॉन 10, ठीक है? और प्लस सी को क्या लिख देंगे, लॉग पी नॉट. लॉग पी नॉट ये हो जाएगा. नाउ और द पॉपुलेशन पी इज इक्वल टू 4p0. पी इज इक्वल टू व्हाट, मेरे को टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो जो पॉपुलेशन है वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन की 4 गुना हो गई, 4 times हो गई, ठीक है?
तो वो पी की जगह 4p0 डाल दीजिए, लॉग 4p0, लॉग 4p0 इज इक्वल टू टी अपॉन 10 प्लस लॉग पी नॉट, लॉग पी नॉट को इधर ले आओ, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग 4p0 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू टी अपॉन 10, t upon 10 is equal to क्या आ गया, log 4, t upon 10 is equal to log 4, तो log 4 calculate करते हैं यहाँ पर, तो log 4 कैसे निकलेगा, जरा पीछे आंसर देखिए, log 4 calculate करिए, log 4 कैसे निकलेगा, log table देखो जरा, ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे log की value है, तो log हमारे पास शुरुआत ही log की जो है, वो 10 से हो रही है, तो 4 तो नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे log 4.000, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर 40 को 0 में चेक करना है, 40 को 0 में चेक करना है, ठीक है, हाँ 40 को 0 में चेक करेंगे कितना आ रहा है, 6021 इतना आ रहा है, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डिजिट की जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट का मतलब क्या हुआ, एक डिजिट का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट से पहले जीरो आ जाएगा, 0.6021 याद है, लॉग निकालना, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, ऐसे ही अगर मान लीजिए इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हम ये देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट लिखी, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो का मतलब क्या है कि जीरो में वन ऐड कर दो तो वन, तो जो भी 60 का ऊपर और वन पर देखकर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में आप लेफ्ट से काउंट करके एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये करते हैं, यहाँ जीरो आ गया, अब इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इज इक्वल टू, सॉरी 10 इनटू दिस करेंगे तो 6.021 ईयर्स, ठीक है, 6.021 ईयर्स, बताओ भाई समझ में आ गया, हर्षित क्लियर है, कोई बात नहीं, आप ना log 2 की वैल्यू निकाल के और 20 से मल्टीप्लाई करके आंसर देख लो, हमारा आंसर सही होना चाहिए, मैं एक बार उस पर देख लेता हूँ, इसमें तो देते नहीं है ना, ये क्या कहते हैं, मोबाइल फोन में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता नहीं है, log 2, log 2 वैल्यू 0.301 ये है, 0.301 में 20 मल्टीप्लाई कर दो, इसका 6.020 आएगा, इसमें 6.021 है, 6.02 आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, आ तो गया आंसर 6.02, ठीक है चलेगा, तो मेरे में साइंटिफिक, अच्छा तो log 2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 3.01 होगी, हाँ बस, तो उसमें 20 मल्टीप्लाई, 0.301, ठीक है उसमें 20 मल्टीप्लाई कर दो, 6.020 सही, यही है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल नंबर 3 देखिए, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो ये भी कुछ कुछ इसी के जैसा क्वेश्चन है, और क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो पर्टिकुलरली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है, तो ये जो प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चन है ना जिसमें पैसा वगैरह जिसमें इन्वॉल्व है, कॉमर्स वाली टर्म जहाँ पर इन्वॉल्व है, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांसेस है, तो देखो एग्जांपल नंबर 3 में है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो जो प्रिंसिपल है जैसे यहाँ पर था कि पैसा इंक्रीज हो रहा है कितने रेट पर, यहाँ तो पॉपुलेशन वाला था कि 10% के रेट पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, तो हम ये कहेंगे लेट पी बी द प्रिंसिपल,
सो एज पर क्वेश्चन डीपी बाई डी टी dp by dt is equal to 5% of p. dp by dt is equal to 5 upon 100 into p. यहीं पर सॉल्व कर लो dp by dt. अब इसको 1 upon 20 करो, आपकी मर्जी है. आप 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये p upon 20 हो गया. अब पी को इधर ले आओ, डी टी बाई पी, और डी टी को इधर ले जाओ, ये हो गया डी टी अपॉन 20. ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बन गई. अब इसको इंटीग्रेट करना होगा. हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, डीपी के साथ पी आ गया, और कोई टी वाली टर्म होती तो वो डी टी के साथ आ जाती, पर कॉन्स्टेंट है, टी वाली टर्म ही नहीं, कोई बात नहीं. डी पी और डी टी दोनों अलग अलग हो गए. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेशन डीपी बाई पी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीटी अपॉन 20. वन अपॉन 20, और जब डीटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आ गया टी प्लस सी. log p is equal to t by 20 plus c, ये हो गया. यहाँ पर था t by 10 plus c. ठीक है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है. उसके बाद देखिएगा आगे के क्वेश्चन में दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% ईयर्स. अब वो बोल रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ. इसका मतलब क्या है, ही आपने शुरुआत में बैंक में कितना पैसा जमा करा, आपने 1000 रुपये जमा करे हैं, तो आपने जब जमा कराया तब टाइम को कितना लेंगे हम, जीरो, है ना. ये टाइम कुछ था ही नहीं, शुरुआत में आपने जमा करा, तो हम ये कहेंगे इनिशियली p इज इक्वल टू रुपीज 1000 एंड t इज इक्वल टू जीरो. जीरो मतलब जीरो इयर्स, ये कुछ भी टाइम बीता ही नहीं है, तो p की जगह डाल दीजिए 1000. तो log 1000 q upon 20 plus c, तो c is equal to आ गया log 1000. ठीक है, इतना ही करेंगे अभी बस. और अब हम ये कहेंगे therefore equation 2 becomes, therefore equation 2 becomes, क्या बन जाएगा equation 2, log p is equal to t upon 20 प्लस सी कितना है, log 1000, तो log 10 की पावर 3, इसको इधर ले आइए, log p is equal to p upon 20. हाँ जी, log 1000 की वैल्यू क्या होती है बताइए, हमको. अच्छा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ये 3 आ गया.
री वोट करना शुरू हो सर अब स्टार्ट हो गए सब वो 12 से हो रहे हैं बट अब मेरा है नेक्स्ट वीक है मैथ्स का नेक्स्ट ट्यूसडे सर मेरा परसों है प्री बोर्ड है हाँ टू अच्छा आप कल बुला रहे हो मेरे को डाउट इतने नहीं है एक दो जगह ठीक है ठीक है log p is equal to t upon 20 plus 3 ये हो गया log p is equal to t upon 20 plus 3 अब log 10 की वैल्यू 1 होती है तो t upon 20 plus 3 ये हो गया log p अब क्या करेंगे ये इक्वेशन 2 हमारे पास अब फाइनली बन गया अच्छा अब ये बोल रहे हैं इन हाउ मेनी इयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ तो कितने टाइम में रुपीज 1000 खुद को डबल कर लेंगे ठीक है तो टाइम पूछ रहे हैं सो वैसे log 22 हो जाएगा log 22 log 20 is equals to 2 log 20 is equal to 2 नहीं होगा हम बताता हूँ log 20 के लिए हम क्या करेंगे हम ऐसे ही तो लिखेंगे log 2 into 10 अगर 2 की बात करोगे तो log 100 is equal to 2 होगा log 10 की पावर 2 करेंगे ना है ना तो फिर वो 2 फ्रंट में आ जाएगा 2 log 10 log 10 क्योंकि 1 होता है तो 2 into log 10 यानी कि 2 into 1 is equal to 2 ऐसे होता है now if P is equal to rupees 2000 तो T is equal to what? अगर principal 2000 रुपए है तो कितने time में वो double हो रहा है? तो कितने time में वो 1000 रुपए का 2000 रुपए बन रहा है? तो log 2000 is equal to ये 2000 है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं log ab तो log ab क्या होगा log a plus log b log 2 plus log 1000 सर ये फिर वही 3 log 10 आ गया बता log 2 log 10 था log 1000 तो 3 हो गया 3 is equal to t upon 20 plus 3 अब 3 से 3 कट गया ये तो खत्म हुआ केवल log 2 बचा log 2 की वैल्यू हम देख चुके हैं है ना और लॉग टेबल से अगर देखना चाहो तो 2.000 लॉग 2.000 इज इक्वल टू टी अपॉन 20 बस इतना ठीक है अच्छा तो 20 को देखेंगे जीरो पर 3010 20 को जीरो पर देखेंगे 3010 आ रहा है ठीक है तो ये आ जाएगा 0.3010 आप समझ गए होंगे जीरो क्यों लिखा है यहाँ पर यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए कितनी है एक उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जीरो तो शुरुआत में जीरो लिख देना है ठीक है तो 0.3010 इज इक्वल टू टी अपॉन 20 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया सेम ही हो गया सेम ही हो गया आंसर देखते हैं जरा हाँ जी इसका भी आंसर वही आ रहा है 20 log हाँ चलिए जी उसके बाद देखिएगा अगला दे रखा है एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 में जो अभी तक जो क्वेश्चन है उसमें जैसे ग्रोथ वाला दे रखा है यहाँ पर डिके वाला दे रखा है डिके का मतलब डिक्रीज द डिके रेट ऑफ रेडियम एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम अच्छा फाइंड द टाइम व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मास एग्जाम्पल 4 हमने ये कहा कि
लेट एम बी द मास ऑफ रेडियम, तो रेडियम के मास को हमने कैपिटल एम बोल दिया, लेट एम बी द मास ऑफ रेडियम, वो बोल रहे हैं द डिके रेट ऑफ रेडियम एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम, ठीक है, तो एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम, यानी कि डिके रेट, ग्रोथ रेट को डी पी बाई डी टी लिखते थे, प्रिंसिपल की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, तो ऐसे मास के डिके रेट लिखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इन्होंने बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, तो किसी भी टाइम अगर हम डिके रेट बोलेंगे तो डिके रेट उसके मास के प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि डिके रेट को अगर बढ़ा देंगे तो मास भी बढ़ जाएगा, डिके रेट अगर कम होती चली जाएगी तो मास भी कम होता चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। उसके बाद हम ये कहेंगे डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एम, इज इक्वल टू माइनस के एम, ये हो गया। अच्छा माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डिके रेट है ये, अगर ग्रोथ रेट होता तो प्लस के एम, तो फिर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, के एम लिखता बस। अभी इसको तो इधर ले आओ, तो डी एम अपॉन के एम इज इक्वल टू माइनस डी टी, फिर हम ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। KM इस तरफ ले आया ना मैं, क्योंकि DM के साथ ही तो आएगा M वाला टर्म, मास तो वेरिएबल हो गया क्योंकि वो DM है, इसमें मास चेंज हो रहा है तो मास तो वेरिएबल हो गया, और ये जो KM ये कांस्टेंट है, इसको आपकी मर्जी है, चाहे तो उधर रख लो चाहे तो रख लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस K पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन K तो रहा है, इंटीग्रेशन हो गया DM अपॉन M। कैसी बात कर रहे हो, डीएम अपॉन एम कैसे काट देगा, ऐसे तो फिर मैंने यहाँ पर ये डी पी बाई पी करा तो पी से पी काट देता, समझ रहे हो, ये गड़बड़ करते हो सबसे ज़्यादा, सबको अभी सब चीज़ आ रही है फिर एकदम से कर दिया कुछ गड़बड़, ध्यान रखना यहाँ पर वेरिएबल, जैसे वहाँ पर वेरिएबल पी था तो यहाँ पर वेरिएबल एम है, ठीक है ना, तो डीएम बाई एम मतलब जैसे डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो डीएम बाई एम का इंटीग्रेशन लॉग एम हो जाएगा, ठीक है, इन ये हो गया माइनस डी टी। अब ये क्या होगा, वन अपॉन के, तो ये हो गया लॉग एम माइनस, अब डी टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी है ना, और प्लस ये हो गया। अब हमने ना जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ पर बस इन्होंने ये पूछा फाइंड द टाइम व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मास, मास अपने इनिशियल मास का आधा रह जाए, तो इनिशियल मास को कुछ मान लो, इन्होंने एम नॉट माना है, आप भी एम नॉट मान लो, ठीक, तो आप ये कहें लेट लेट द इनिशियल मास बी एम नॉट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ is equal to zero, initial mass का मतलब तो यही है, initially हम किसी भी चीज को ले रहे हैं तो time तो zero हो जाएगा, है ना, initial time तो zero होगा। one upon k into log m naught minus zero plus c, one upon k into log m naught, ये हो गया, ये c की value हो गई, ठीक है, मैं उधर रख लूंगा इसको, इसको रख देंगे हम इस वाली में जो हमारी ये सॉल्व करके आई थी ना, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो 1 अपॉन k log m
के log m is equal to minus, अब t तो as it is जाएगा minus t, plus c की value 1 upon k log m naught, ये हो गया। तो ये वैल्यू हमने आई नॉट पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में रखकर हमारे पास ये आ गया। फिर वो बोल रहे हैं फाइंड द टाइम व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मास, तो मास जब अपने इनिशियल मास का आधा रह जाएगा, तो यहाँ पर है व्हेन एम इज इक्वल टू हाफ एम नॉट, जब वो अपने इनिशियल मास जो एम नॉट हमने लिया था उसका आधा रह जाए, तो कितने टाइम में वो आधा रह जाएगा, वो टाइम ही मेरे को निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया, ठीक है। और ये हो गया 1 अपॉन k log m की जगह डाल देंगे हाफ m नॉट इज इक्वल टू माइनस t प्लस 1 अपॉन k log m नॉट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप एक काम करिए, इसको इधर ले आओ या माइनस टी को इधर ले आओ तो प्लस टी हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओ 1 अपॉन के लॉग एम नॉट, 1 अपॉन के लॉग एम नॉट और माइनस 1 अपॉन के लॉग एम नॉट बाई टू, तो इधर भी 1 अपॉन के इधर भी 1 अपॉन के, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के ले लिया कॉमन, तो log m नॉट माइनस log m नॉट बाई टू, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन k log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, समझ गए, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो लॉग एम नॉट को फिर मैंने एम नॉट अपॉन वन लिख लिया, तो इसमें क्या है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, एम नॉट इससे टू से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के लॉग 2 एम नॉट अपॉन 1 एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट लिख लिया, मतलब कुल मिलाकर लॉग 2 के पीछे पड़ गए हैं लोग, लॉग 2 ही कैलकुलेट करवा रहे हैं यहाँ पर। तो t is equal to 1 upon k और log 2, log 2 कितना 0.3010 इतने टाइम में, ये ही आ रहा है जी आंसर, इन्होंने ये निकाल कर छोड़ दिया 1 upon k log 2, ठीक है, हमने log 2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5, 6, 7, ये तीन एग्जांपल करिए, फिर आगे ये दे रखा है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा, कुछ नहीं है आगे। कार्बन डेटिंग तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको बस तीन एग्जांपल कर रहे हैं 5, 6, 7 और टोटल एग्जांपल इसमें 11 है, तो आगे के चार एग्जांपल मैं करवा दूंगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इन एग्जांपल्स को ही दोबारा रिवाइज कर लेना, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बाकी और दूसरे चैप्टर्स करेंगे फिर रिवाइज, ठीक है। चलिए जी इतना ही करते हैं फिर आज, हाँ बता देना, स्कूल जाना है, ठीक है।